नमस्कार शाइन, कैसे आप लोग? गाइस आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेकर आई हूँ जीटी वर्सेस एसआरएच के, जो कि आईपीएल मैच 66 खेला जाएगा। इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग अब अपने लास्ट स्टेज में आ गई है। टूर्नामेंट के 65 मैच कम्प्लीट हो गए हैं। 3 टीम से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बचे हुए 3 प्लेसेस के लिए 6 टीमों में फाइट होगी। और आईपीएल के 66 मैच, जिसमें एक तरफ सुमन गिल की गुजरात तो दूसरी तरफ है पैट कमिंस की सनराइज हैदराबाद है। तो हैदराबाद जहां प्लेऑफ में जगह बना सकती है, तो दूसरी तरफ गुजरात टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इन दोनों की टक्कर रोमांचक होती है। इस सीजन पहले भी एक बार गुजरात की टीम हैदराबाद को हरा चुकी है। और यह मैच 16 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। हीट टू हीट की बात करें तो टोटल मैच खेले गए 4, और जिसमें से गुजरात का हुआ है 3 और हैदराबाद का हुआ है 1। बात करें गाइस अब पिच रिपोर्ट की, तो हैदराबाद की पिच बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पे हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है। और इस मैच पे दोनों तरफ से चौके छक्के खूब देखने को मिल रही है और हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं। और एसआरएच ने यहाँ पर आईपीएल इतिहास का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर 276 रन बना लिए हैं। और बॉलर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा हेल्प नहीं है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो हैदराबाद में इस वक्त वेदर क्लॉडी रहेगा और रेन चांसेस 25%, ह्यूमिडिटी 87%, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच एनालिसिस की बात करें तो विनिंग परसेंटेज का प्रेडिक्शन कहता है कि फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 41%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 58%। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 162 इनका, और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 150। बात करें गाइस एसआरएच शॉट एनालिसिस की, तो हैदराबाद वो टीम है जिसमें एक से एक इस साल में वो T20 क्रिकेट को ही बदल दिया और टीम ने एक अगला तरीके का खेल रहे हैं। और टीम इस साल 3 बार 250 प्लस रन स्कोर किए हैं। और जिस तरह रफ्तार से वो टीम की बैटर बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं और रन बना रहे हैं, जल्दी 300 रन भी बना सकती हैं। और टीम बैटर्स आग उगल रहे हैं मैच में, नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लास्ट गेम में टीम ने 166 के टारगेट चेस किया था, बस 10 ओवरों में चेस कर लिया गया था, और वो भी बिना कोई विकेट खोए हुए। और टीम ने अब तक 12 मैच खेलकर 7 में मैच जीते हैं और टीम अपने ही बचे हुए दोनों मैच जीत लेती है। तो टीम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी। और ओपनिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। हेट में बात करें तो 533 रन के साथ टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। अभिषेक भी हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। एडन मार्कराम को लास्ट गेम में ड्रॉप कर दिया गया था और हेनरिक्स क्लेसन भी अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं। लो ऑर्डर में नीतीश रेड्डी टीम की नई खोज है। शाहबाज अहमद एंड अब्दुल समद भी हार्ड हिटिंग एबिलिटी हिटिंग एबिलिटी रखते हैं और बॉलिंग में टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। और टीम 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है। भुवनेश्वर कुमार अब पूरी तरह फॉर्म में आ चुके हैं। बैट कमिंस 12 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। नटराजन अब तक 15 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं। और श्रीलंका के मिस्ट्री और स्पिनर और ये विश्वनाथ है, और जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था उनको, लास्ट गेम में मयंक मार्कंडे बाहर थे और जयदेव भी विकेट दिला रहे हैं। प्लेयर की बात करें जो कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हीड, एडन मार्कराम, हेनरिक्स क्लेसन, अब्दुल समद और शाहबाज अहमद, नितेश रेड्डी, टी नटराजन, जयदेव और पैट कमिंस है और भुवनेश्वर कुमार है। गुजरात शॉट एनालिसिस की बात करें, जो कि पिछली 2 बार टीम गुजरात का परफॉर्मेंस इस साल अनकंसिस्टेंट वाला रहा है। इस और टीम एक यूनिट की तरह कभी खेल नहीं रही है। और टीम एक मैच जीती है तो दूसरा अगला हार जाती है। और टीम का लास्ट गेम बारिश के चलते कैंसिल हो गया था, जिसके चलते टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई है। और टीम ने 13 मैच खेलकर 5 में जीता है और 7 में हारा है। और अब टीम का लास्ट मैच है। टीम अब अगले साल मजबूत होकर आना चाहेगी। ओपनिंग में सुमन गिल और साई सुदर्शन ने जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और साई सुदर्शन 527 रन बना के टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। और मिडिल ऑर्डर में डेविन मिलर और शाहरुख खान खेल रहे हैं और मैथ्यू वेडी को लास्ट गेम में प्लेइंग 11 में खेला गया था। और ऑर्डर में राहुल ट्वेटी एंड राशिद खान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और बिग प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी। और ये बॉलिंग की बात करें, जो कि बॉलिंग में अफगानिस्तान अटैक पर टीम डिपेंड रही है और नूर अहमद और राशिद खान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और सबसे बड़ी कमजोरी दिखी है। अब तक राशिद सिर्फ 10 विकेट ले पाए हैं और जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट लेने के बावजूद टीम ने ड्रॉप कर दिया। और टीम के स्पेंसर जॉनसन भी वो भी ज़्यादा मौके दिए गए हैं, लेकिन इस गेम में उन्हें चांस मिल सकता है। और उमेश यादव और मोहित शर्मा का या
यहाँ पर लास्ट चांस हो सकता है और टीम अगले साल इन्हें ट्रेडिंग नहीं करेंगी। और प्लेइंग आरे की बात करें जो कि सुमन गिल, जो कि साई सुदर्शन भी हैं और डेविड मिलर, मैथ्यू वेट और विजय शंकर, राहुल ट्रेडिया, शाहरुख खान और राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित शर्मा। ड्रीम प्लेइंग फैंटेसी टीम की बात करें जो कि विकेट कीपर हेनरिक क्लेसेन, बैटर्स में शामिल है सुमन गिल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन और बॉलर्स में शामिल है टी नटराजन, मोहित शर्मा, उमेश यादव। बात करें ऑलराउंडर की तो राशिद खान, पैट कमिंस, नीतीश रेड्डी। प्रेडिक्शन की बात करें गाइस तो ओवरऑल रिकॉर्ड में तो गुजरात आगे है, दोनों टीम बेहतर स्क्वाड के साथ आई है और बैटिंग को देखें तो जीटी थोड़ा पीछे है और एसआरएच के पास एक मजबूत स्क्वाड है और टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए मैच का विनर हैदराबाद हो सकता है। तो गाइस ऐसा करती हूं आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो।